सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम किसको कहते हैं? वेद। और वेद वेदांत के द्वारा ही निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण है। कल्प तरोर गलपत गलितम फलम, यह जो कल्पित फल है ये क्या है? एक तो महाराज सुख के द्वारा निश्रित भगवान सुखदेव के मुखारविंद से निकला हुआ फल। जब बहुत मीठा होता है तो सुख का टोंट उसी में मारता है। तोते को देखो, वही फल खाएगा जो वास्तविक मधुर होगा, मीठा होगा, पका हुआ होगा। और ये सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ इतना मधुर फल है, न इसमें छिलका है, न गांठ है, न गुठली है, इसमें तो केवल दल ही दल है। और भगवान की कथा में जहां भगवान शब्द समाहित हो जाए, देखिए बात आती है, पंच रचित यह अधम शरीरा, पांच तत्व से सबकी शरीर बनी है, तो इसीलिए भगवान को भी पांच तत्व में ही समाहित कर दिया गया, तो इसीलिए तो भगवान कहा गया। भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, वा में आ की मात्रा आकाश, और ना का मतलब नीर अर्थात जल। छित जल पावत गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, वायु से, आकाश से, जल से, अग्नि से यह शरीर बना हुआ है, और उसी से भगवान भी, इसीलिए भगवान शब्द समाहित हुआ।